वेलकम टू अ चैनल विशाल डॉग वर्ल्ड गाइस, आज की जो वीडियो है ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी पेट्स ओनर हैं उन सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि बारिश का टाइम होता है तो पेट्स क्या होता है, आपके छत पे जाके बैठ गया, कहीं पे भी मॉइस्चर मिला वहाँ पे जाके बैठ गया, तो इस टाइम पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हल्का सा उनको स्किन प्रॉब्लम हुआ, वहाँ की स्किन हल्का सा रेड हो गई, थोड़ा इचिंग होती है, तो जब डॉगीज़ क्या करते हैं वहाँ पे खुजली करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे जख्म टाइप का बन जाता है, स्किन रेड हुई, हल्का सा जख्म बना, ब्लड आने लगा। कभी कभार क्या होता है उसमें इवन जो हाउस फ्लाइज होती है उसकी वजह से कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, ये सारी चीज़ें आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसी के बारे में ये पूरी वीडियो बनाई गई है। तो क्या होता है, कई बार आप जब अपने डॉगीज़ को खेलते हैं, डॉगीज़ के साथ खेलते हैं, आप उनकी बॉडी पे टच करेंगे तो क्या होता है, आपको स्किन प्रॉब्लम पता चल जाती है। आप जैसे ही उनकी बॉडी पे हाथ फेरते हैं तो वहाँ की स्किन हल्का सा क्या होती है, स्वेल हो जाती है, हल्का सा उभरी हुई लगती है। तो कुछ फर्स्ट एड मैं बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास नहीं लेके जा पा रहे हैं, या इनकेस आप घर पे नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर जो है वो डॉक्टर के पास नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है वो मैं बताऊँगा। प्लीज़ मेडिसिन देना, ये कुछ मेडिसिन्स हैं। एक है वेटाक्लोर एम, ये देख सकते हैं, ये वायलेट कलर के पैकेट में आती है, ये स्प्रे है। सेकेंड है किसकेन, ठीक है, ये लोशन है। एंड द थर्ड वन, इट्स टॉक्सोमॉक्स 500, ये टैबलेट है। चलिए मैं बताता हूँ कि ये कैसे कैसे मेडिसिन लगाई जाती है और कैसे ये खिलाई जाती है। तो ये जो वेटाक्लोर एम देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये स्प्रे होता है, कुछ इस तरीके का स्प्रे होता है, ये स्प्रे होता है, ठीक है। ये डॉगीज के जहाँ पे भी इन्फेक्टेड एरिया है आपको वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे लगाना होगा। देखिए मैं फिर बताऊंगा यार फ्रेंड्स कि कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं तो आपके डॉगीज़ को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए केयर हर कोई करता है, अगर आप कोई ये सोचे कि यार मेरे डॉगीज़ को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, मेरे डॉगीज़ को स्किन प्रॉब्लम हो गई तो क्या मैं केयर नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है, ये नेचुरल है। तो जैसे मेरी टिप्सी है, मेरी टिप्सी को स्किन प्रॉब्लम अभी हो गई थी, तो मैंने देखा यार काफ़ी लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछा स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मैंने कहा ठीक है चलिए नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाई जाए। तो ये टिप्सी है, अभी यहाँ पे टिप्सी के आप देख सकते हैं कि स्किन प्रॉब्लम जो हुई थी वो एग्जैक्ट इस जगह पे हुई थी, यहाँ के हेयर हमने हटा दिए, देख सकते हैं, ये देख रहे होंगे, ठीक है, ये स्किन प्रॉब्लम यहाँ पे हुई थी, ये बारिश की वजह से हुई थी, ठीक है, हल्का हल्का ये देख सकते हैं यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम, अब तो काफ़ी ज़्यादा सही हो गई है। ये बारिश में भीगने की वजह से हुई थी, कि क्या होता है बारिश में जैसे भीगे, बारिश में भीगने के बाद इनका जो फर कोट है वो प्रॉपरली नहीं सूखा, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो लोशन होता है, ये लोशन आप उस जगह पे लगाएंगे, ठीक है, दिन में आपको 2 से 3 बार ये स्प्रे करना है, डिपेंड करता है कि चोट जो है वो जो वूंड है वो सही हो रहा है कि नहीं, अगर जैसे सही हो रहा है तो आप 2 बार कर सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो एटलीस्ट आप 3 बार यूज़ कीजिए उसको, ठीक है। स्प्रे के बाद उसके बाद ये आता है किसकिन, ये लोशन है, ये लोशन कुछ इस तरीके का दिखता है, ये न्यू है अभी एक, ठीक है, हम बाकी यूज़ कर रहे हैं, तो ये लोशन इस तरीके का है, ये वाइट कलर का है, ये आप जब स्प्रे कर लेंगे, स्प्रे करने के आधे घंटे बाद ये लोशन आप उसकी जगह पे, वो जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। कभी कभार ये होता है कि यार मैंने बताया ना हाउस फ्लाइज होती हैं, तो क्या होता है कि कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो उसके बाद अगर नहीं सही होता है तो ये मेडिसिन है टॉक्सोमॉक्स 500, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे वूंड अगर जो है वो ज़्यादा गहरा हो गया है, आपको लग रहा है कि वहाँ इन्फेक्टेड एरिया में आपको लग रहा है कि डाउट हो रहा है कि कीड़े भी पड़ सकते हैं, तो आप ये यूज़ कीजिए, ठीक है। ये टैबलेट कैसे देनी है, ये टैबलेट आपको एक मॉर्निंग में देनी है और एक रात में देनी है अपने डॉगी को, लाइक ट्वाइस अ डे देनी है, ठीक।
लोशन और स्प्रे दिन में आप 3 बार लगाएंगे, ठीक है? डिपेंड करता है, अगर वुंड सही हो रहा है तो उसको 2 बार कर दीजिए, 1 बार सुबह 1 बार शाम, ठीक। बट मेक श्योर आपके डॉगीज का फर कोट वेट ना रहे, वो गीली जगह पे या मॉइस्चर वाली जगह पे फिर से जाके ना बैठे, तो क्या होता है कि प्रॉब्लम फिर से होने लगती है। उसके बाद आप नॉर्मल स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम देखिए फिर से होती है या प्रॉब्लम नहीं सही हो रही है, तो आप अपने नॉर्मली जो डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश का फिर से मैं बता रहा हूँ टाइम है, तो अपने पेट्स की थोड़ी एक्स्ट्रा केयर कीजिए। ध्यान दीजिए कि बारिश में वो भीगे ना, अगर बारिश में भीग रहे हैं या आप उनको बाट दिला रहे हैं, तो मेक श्योर उनका जो फर कोट है वो प्रॉपरली एकदम सूख जाए, ठीक है। तो चलिए, होप सो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी को पसंद आएगी, वो सभी के लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।